हाय गैस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग की टाइम है और मैं आई थी छत पे घूमने के लिए तो सोची हूँ ये लेकर जाते हैं प्याज की पत्ती। तो सोच रही थी ये प्याज की पत्ती है, इसे मैं लेकर जाती हूँ आज। इसका जो भुजिया बनता है ना, वो बना लूँगी। और थोड़ा सा छत भी देखने आए थे, यहाँ देखिए लौकी का पेड़ था जो आज थोड़ा साफ़ सफाई सोच रही करवाऊँगी। तो ये सब जितना है कचरा सब हटवा देंगे और इसे भी साफ़ करना है। धीरे धीरे ये सब साफ़ हो जाएगी, अब लौकी नहीं होती है। ये सब करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ नीचे। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है, कोई काम हुआ नहीं है अभी तक। और देखिए काफ़ी अच्छा धूप है। और इधर देखिए कटहल है, कटहल भी बहुत सारे हुए हैं। तो अभी पौधों में मैं पानी भी दे दी हूँ, इधर आप देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड, यहाँ जो कटहल है ना, हमारे घर में थोड़ा सा है, कटहल सब्जी बनाए थे तो थोड़ा सा है। उसका मैं आज पकौड़ी बनाने वाली हूँ और कैसे बनाऊँगी वही शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और इधर देखिए फ्रेंड, जितने पौधे हैं सभी में पानी दे दी हूँ। तो चलो फिर चलते हैं नीचे, बहुत सारा काम है। अभी सुबह का कोई भी काम नहीं हुई है, बस सुबह उठकर मैं छत पे आई थी, ब्रश कर रही थी तो सोची यहाँ से मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो चलो फ्रेंड, मिलते हैं थोड़ी देर में और पकौड़ी जो बनाऊँगी वो शेयर करूँगी आप सभी के साथ। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। और फ्रेंड, यहाँ देखिए, यहाँ पर पापा जी प्याज लगाए हैं तो इसकी पत्ती जो है आप देख पा रहे होंगे। तो पापा जी बोल रहे थे इसे काट लेने के लिए, तो मैं इसे ले जाऊँगी और इसका जो है भाजी बना लूँगी। इसका भाजी भी बनती है, आप लोग बनाते हैं कि नहीं जरूर बताइएगा। ये प्याज की पत्ती है, इसकी भाजी भी बहुत अच्छी होती है, पकौड़ी भी होती है। लेकिन आज मैं भाजी बनाऊँगी, बहुत सारी है, हो जाएगी इससे। हमारे यहाँ देखिए इतने सारे निकले हैं प्याज के पत्ते। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, घर के अंदर जा रही हूँ। अब जाके सुबह का सारा काम कर लूँगी, उसके बाद लंच भी बनाऊँगी। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड, सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट हो चुकी है और अभी मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए प्याज की पत्ती और थोड़ा सा आलू काट ली हूँ, इसमें मिक्स करके यहाँ देखिए प्याज की पत्ती जो है उसकी मैं भाजी बना ली हूँ। और बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड, क्योंकि अपना ही पेड़ का है, कोई भी खाद मिलाया हुआ नहीं है। और एक तरफ मैं गोभी की सब्जी बना रही हूँ और यहाँ देखिए छोटी आलू बड़ी आलू मिक्स करके बना रहे हैं। और एक कढ़ाई बहुत पुरानी है फ्रेंड, इसमें पकौड़ी पड़ी बनाते हैं, तो इस वजह से इस कढ़ाई को मैं नहीं हटा रही हूँ। यहाँ देखिए कटहल को मैं उबाल ली हूँ, कटहल का पकौड़ी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी रेसिपी। आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। और चलिए फ्रेंड, जल्दी से पहले मैं गोभी आलू की सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए कटहल उबाल ली थी तो इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। इधर हमारी सब्जी बनकर तैयार है और जितनी पुरानी कढ़ाई हो ना उतना ही सब्जी टेस्टी बनती है फ्रेंड। इस वजह से मैं इस कढ़ाई को कभी कभी यूज करती हूँ और बीच बीच में। और यहाँ देखिए बेसन, अजवाइन, हरी मिर्च और प्याज ये सब देकर, और लाल मिर्च पाउडर देकर अच्छे से, थोड़ा सा चावल का पाउडर भी है और बेसन भी है, ये सब देकर अच्छे से मिला रही हूँ। इस तरह से आप पकौड़ी बनाइएगा तो काफ़ी टेस्टी लगती है फ्रेंड। और यहाँ देखिए मैं दूसरी कढ़ाई बिठाती हूँ और एक तरफ हमारी सब्जी भी बनकर तैयार है। कितनी सुंदर लाल लाल सब्जी लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्जी। और यहाँ देखिए पकौड़ी बना रही हूँ, तेल हमारी गर्म हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर लग रही है। आप लोग भी इस तरह से जरूर बनाइएगा और ट्राई करके जरूर बताइएगा जो आप सभी को कैसा लगा। और फ्रेंड, जो हमारे वीडियो पर आते होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, यहाँ देखिए कितनी सुंदर कटहल की पकौड़ी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप लंच में या तो नाश्ता में आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ देखिए दोपहर के लंच की थाली लग चुकी है और मेरा बेटा प्याज की पत्ती का भाजी नहीं खाती है, इसलिए यहाँ नहीं रखे हैं, नहीं तो ये
ये हमारी लंच है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगती है जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।